कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए 9 अपडेट्स आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। नए हो चैनल पे, पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही दबा दो बेल के आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। पहले अपडेट की तरफ चलते हैं जो जुड़ा हुआ है केसेस के साथ। तो टोटल केसेस जो रजिस्टर हुए 20 अप्रैल को वो है 295,158, तो क्लोज़ टू 3 लाख है और बहुत ही जल्दी जो है ये नंबर टच कर सकता है अगर इसी स्पीड से केसेस जो है वो बढ़ते रहे। तो अगला अपडेट जो है वो वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। तो ICMR का एक डेटा शेयर किया गया, इसमें बताया गया है कि कोवैक्सीन के सेकंड डोज लेने के बाद 0.04% लोग ही इन्फेक्ट हुए हैं एंड कोविशील्ड का सेकंड डोज लेने के बाद सिर्फ 0.03% लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और ये नंबर कम है, काफ़ी कम माना जाएगा। तो इस समय में जो है वैक्सीन लेना ही एक सही डिसीज़न हम सभी के लिए होगा। यहाँ पे 1 मई से जो है वो 18+ जितने भी लोग हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो उन्हें भी वैक्सीन लेने जो है वो जाना ही चाहिए। अगला अपडेट जो है वो कोवैक्सीन से जुड़ा हुआ है। तो होम ग्राउंड वैक्सीन जो है वो भी इंटरिम स्टडी में 78% एफिशिएंसी लेके आती है और जो वायरस है अफ्रीकन वायरस उस पर भी अच्छी तरह से काम कर रहे। तो अगर इन केस आपको कोविशील्ड नहीं कोवैक्सीन मिलती है तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये वैक्सीन जो है वो अच्छी नहीं है, ये भी उतनी ही पावरफुल वैक्सीन हम सभी के लिए है। अगला अपडेट जो है वो कोविशील्ड के प्राइजेस से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि 50% डोजेज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिकेंगे और 50% जो डोजेज होंगे रेस्ट वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो बिकने वाले हैं। तो ऐसे में जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने प्राइस डिक्लेयर किए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होगी उन्हें डोज 400 रुपीज़ में दिए जाएंगे एंड यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में डोज की कीमत जो है वो 600 रुपीज़ रखी जाएगी। तो ये कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट पे जाना है या फिर आपको प्राइवेट पे जाना है वो डिसीज़न आप सभी का होगा। लेकिन एक यहाँ पे मुझे जो अच्छा नहीं लगा वो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को डोजेस 160 से 180 रुपीज़ में दे रहे हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपीज़ में देने का कोई मतलब नहीं निकलता, एटलीस्ट उन्हें वो प्राइस में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल का तो ठीक है, चलो वो प्रॉफिट के लिए है तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। अगला अपडेट जो है वो बायोलॉजिकल ई से जुड़ा हुआ है। तो बायोलॉजिकल ई जो है उसका टाई अप है जॉनसन एंड जॉनसन के साथ, तो उनकी वैक्सीन जो है वो अगस्त में लॉन्च हो सकती है। अगला अपडेट जो है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 24,000 केसेस रजिस्टर हुए, थोड़े कम ज़रूर से हुए हैं और यहाँ पे पॉजिटिव रेट जो है वो 31% है, मतलब 100 टेस्ट किए जा रहे हैं 31 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगला अपडेट जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया है, आज काफ़ी दिन हो गए फिर भी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है और केसेस जो है वो 65,000 अप ही रह रहे हैं। तो ऐसे में और नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए जिसमें इंटर सिटी ट्रैवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल को बैन कर दिया गया है एंड उसी के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सॉरी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो भी सिर्फ 15% स्टाफ से जो है वो ऑपरेट हो गए। पहले ये नंबर जो था वो 50% था। अगला अपडेट है वो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटेन का जो एयरपोर्ट है उन्होंने भाई मना कर दिया इंडियन फ्लाइट को, भाई अब एक्स्ट्रा फ्लाइट इंडिया से नहीं आ सकती क्योंकि यूके में जो है वो इंडियन जो इंडिया में फर्स्ट डिटेक्ट हुए थे ऐसे वायरस के 100 केसेस जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। ऐसे में ये डिसीजन उनके लिए सही साबित होगा अगर ये बैन करेंगे। तो लास्ट अपडेट पर बात करें तो जुड़ा हुआ है फाइज़र के साथ। तो फाइज़र ने कंफर्म किया है कि फेक वैक्सीन शॉट्स जो है वो बिक रहे हैं मैक्सिको एंड पोलैंड के अंदर। आपको क्या लगता है कि इंडिया में ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। आशा रखता हूँ आज का कोरोना वैक्सीन का अपडेट वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आया है यहाँ तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक का बटन तो बनता है, लाइक कर दो, वीडियो को कर दो शेयर ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। अगले वीडियो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।